कहते हैं कभी कभी भगवान को भी भक्तों से काम पड़ जाता है। कुछ ऐसा ही हुआ थाना न्यू आगरा में। भगवान श्री राम के परम भक्त हनुमान जी इस थाने में बरसों से कैद है और अपनी जमानत को तरस रहे हैं। हनुमान जी का कसूर क्या था यह तो नहीं मालूम, लेकिन पुलिस ने मामले में लगी आपराधिक धाराओं को हनुमान जी की मूर्ति पर ही अंकित कर दिया। दरअसल पिछले दिनों थाना न्यू आगरा का एक वीडियो सामने आया था जिसमें थाने के मालखाने एक मूर्ति दिखाई दे रही थी जिस पर आईपीसी की धाराएं भी अंकित थी। इस बात की जानकारी मिलने पर राष्ट्रीय बजरंग दल के कार्यकर्ता आज थाना न्यू आगरा पहुंचे और हनुमान जी को मुक्त करने की मांग की। राष्ट्रीय बजरंग दल के गोविंद पाराशर से थाना पुलिस ने साफ कहा कि उन्हें पहले कोर्ट से हनुमान जी की जमानत लेनी होगी, इसके बाद ही वह मूर्ति रिहा की जाएगी। इसे लेकर हिंदूवादी कार्यकर्ता और थाना पुलिस के बीच खासी बहस भी हुई, मीडिया भी वहाँ पहुँच गया। खास बात यह है कि हनुमान जी की मूर्ति किस विवाद में यहाँ लाई गई, क्या मामला था, इस बात की जानकारी अभी तक नहीं हो पाई है, लेकिन यह कई वर्षों से यहाँ रखी हुई है। आज हनुमान जी को कहाँ से पता नहीं ये लाए हैं, किसी में विवाद में बता रहे हैं कि हनुमान जी विवाद में आए हुए हैं, जिन पे 153 147 124 धारा लगी हुई है, इनके ऊपर लिखा हुआ है, इनसे पूछिए इनको बाहर के, इनके ऊपर मुकदमा लिखा हुआ है। न्यू आगरा थाने में इंस्पेक्टर साहब में या किसी ने भी ऐसी हरकत की है जिन्होंने भगवान के ऊपर ही धाराएं लगा दी हैं, किसी भी मुकदमे में आई ऐसा कोई थाना नहीं बना जिन्होंने भगवान पर आज तक मुकदमा लिखा हो, लेकिन न्यू आगरा थाने पर हनुमान जी पर मुकदमा लिखा गया था। जिस तरह से एक कैदी हवालात में डला रहता है, उस तरह से हनुमान जी हवालात में डरे थे, हमारी निगाह पर ही हमने जहाँ के राष्ट्रीय बजरंग दल के कार्यकर्ता आए, जब विवाद बढ़ते हुए देखा तो आनन बानन ने प्रशासन ने मूर्ति को बाहर निकाला, वो भी गलत दिशा में पधार दी। अभी हमने एप्लीकेशन प्रशासन को दी है तो उन्होंने अभी जमानत मंजूर नहीं की है, उन्होंने कही इन धाराओं में जमानत नहीं हुई है। हम सोमवार को दीवानी जाएंगे, वकील करेंगे, वकील के बाद इनकी जमानत कराएंगे। लेकिन योगी सरकार से कहना चाहते हैं, योगी जी आपने, इन्हीं भगवान राम ने आपको मुख्यमंत्री और मोदी जी को प्रधानमंत्री बनाया, आज इंसान तो इंसान भगवान भी आपके यहाँ सुरक्षित नहीं है, भगवान पर भी मुकदमे लग रहे हैं, ऐसे प्रशासन के खिलाफ कोई कानूनी कार्रवाई होगी जिन्होंने भी ऐसी हरकत की है? जवाब नहीं तो क्या कदम रहेगा? हम सुप्रीम कोर्ट जाएंगे, लेकिन हनुमान जी की जमानत कराएंगे, हम किसी भी हालत में थाने में नहीं रहने देंगे। काफ़ी बहस के बाद भी थाना पुलिस ने हनुमान जी को जमानत नहीं दी। बाद में मूर्ति को थाना